हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए खरगोश टोपी का डिज़ाइन लेके आई हूँ देखिए जैसे हमारे पास वूल वज्जी होती है तो उससे हम इस खरगोश टोपी को बना के रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स मैं ये तीन कलर्स से बना रही हूँ तो सबसे पहले हमें फंदे डालने हैं तो देखिए ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि इससे हम बॉर्डर बनाएंगे तो फिर मैं इसको ही लगाऊंगी तो ठीक है इससे मैं फंदे डालूँगी तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम फंदे डालेंगे तो फंदे डालने के लिए इस तरीके से देखिए मैं इसमें डिज़ाइनर फंदे डाल रही हूँ तो इस तरीके से पहले हम धागे को डबल कर लेंगे देखिए जितने फंदे डालने उसके हिसाब से देखिए ये देखिए तीन बार हमने ये फोल्ड कर लिया इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से और अब यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे ये देखिए बिल्कुल साइड में हमको इस तरीके से नोट लगा लेनी है देखिए फ्रेंड्स जो धागा हमने तीन फोल्ड किया है वो हमारे लेफ्ट हैंड में रहेगा और जो सिंगल है वो राइट हैंड में रहेगा तो देखिए एक ही सिलाई में ये फंदे डालते हैं तो देखिए ये हमने सिलाई ली है उसके बाद जैसे नॉर्मल हम फंदा डालते हैं इस तरीके से हम एक फंदा डालेंगे ऐसे ये देखिए और इसे हम खींचते हुए देखिए नोट के पास लेके आना है ऐसे यहाँ पे ठीक है और दूसरा फंदा हमें देखिए इस तरीके से देखिए ये हमारा हाथ है इस तरीके से ये देखिए दो उंगलियों को डालेंगे और ये देखिए इस तरीके से और फिर इसे ये देखिए इस तरीके से बैक साइड को डालेंगे और इसको इसके ऊपर से ले लेंगे ऐसे ठीक है मतलब ये दो दो फंदे डालने हैं हमें एक फंदा हमें नॉर्मल डालना है जैसे हम नॉर्मली फंदा डालते हैं ऐसे और दूसरा फंदा हमें इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से करेंगे और जो ये धागा है इसे बैक साइड को डालेंगे ऐसे उसके बाद इसे इसके ऊपर से डालेंगे ऐसे ये देखिए चार फंदे हो गए फिर से एक फंदा हमें नॉर्मल डालना है ऐसे और दूसरा फंदा हमें इस तरीके से देखिए ऐसे इस तरीके से लगा के इसमें हम इस तरीके से धागा डालेंगे और ये देखिए इसके ऊपर से हमें इसे इस तरीके से डालना है ये देखिए छः फंदे हो गए देखिए इसी तरीके से आप फंदे डाल लीजिए देखिए एक फंदा ऐसे डालेंगे और दूसरा फंदा हम इस तरीके से फिर ये वाले धागे को इस तरीके से पीछे लपेटेंगे और ये देखिए ऐसे ये देखिए दो चार छः आठ देखिए फ्रेंड्स आठ फंदे हो गए तो हम ऐसे ही फंदे डालेंगे तो मैं इसमें सिक्सटी वन फंदे डालूंगी तो देखिए फ्रेंड्स मैं ये फंदे डाल के फिर आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारे इकसठ फंदे इसमें पड़ गए हैं अगर आप इस तरीके के फंदे नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसमें नॉर्मल फंदे भी डाल सकते हैं देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बैक रो है तो ये बैक रो है हम उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स बेसिक रो हम उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करेंगे ये देखिए थोड़ा सा टाइट होंगे ये फंदे क्योंकि हमने एक ही सिलाई में डाले हैं तो आप इन्हें केयरफुली बुन लीजिए देखिए फ्रेंड्स हमारी बेसिक रो कंप्लीट हो गई है ये देखिए ये हमारी राइट साइड है और देखिए इस तरीके का हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है ये डिज़ाइनर फंदे हैं देखिए फ्रेंड्स अब हमें इसका बॉर्डर रेडी करना है देखिए बॉर्डर हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के रेडी करेंगे राइट साइड से भी हमें उल्टा बुनना है और रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनना है तो देखिए ये हमारी राइट साइड है तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये रो को उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करना है और बैक साइड भी हम उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बॉर्डर कंप्लीट करके दिखाती हूँ और बॉर्डर हम टेन रोज़ का बुनेंगे ठीक है तो मैं टेन रोज़ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ दोनों साइड से हमें उल्ट उल्टा उल्टा बुनकर इसे रेडी करना है ये देखिए इस तरीके से तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारा बॉर्डर बन के रेडी हो गया है ये देखिए ये आपको धारियाँ दिख रही होंगी एक दो तीन चार पाँच पाँच धारियों का मतलब है कि हमने ये दस लाइन कम्प्लीट कर ली है ठीक है अब हमें क्या करना है जो ये जितने भी फंदे हमारे सिक्सटी वन फंदे हैं इन फंदों को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ पे देखिए तीस फंदे हमारे यहाँ हो जाएंगे तीस यहाँ पे और एक फंदा हमारा सेंटर में रहेगा उस फंदे में हमें जाले निकालनी है तो देखिए आप फ्रेंड्स हम इसको कलरफुल बना रहे हैं तो अब यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स मैं इस वाले कलर को ऐड करूँगी तो देखिए साइड में हमें इस तरीके से कलर ऐड करना है देखिए हमें सीधा बुनना है तो हम राइट साइड से भी कलर ऐड कर सकते हैं तो इस तरीके से देखिए आप नोट लगा लीजिए और ये देखिए इस तरीके से हम ये देखिए ऐसे बुन लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक नोट भी लगा लेंगे ये देखिए अब अब हमें क्या करना है इसे सीधा सीधा बुन के रेडी करना है देखिए फ्रेंड्स आप चाहे तो चार लाइंस भी बना सकते हैं एक कलर से और चाहे तो दो लाइंस भी बना सकते हैं ये देखिए इस तरीके से बुनेंगे देखिए हम फंदे गिनते हुए जाना होगा दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस देखिए फ्रेंड्स ये हमारे तीस फंदे हो गए अब हमें क्या करना है जो सेंटर वाला फंदा है देखिए ये हमारा सेंटर वाला फंदा है ठीक है तीस फंदे हमारे इधर हैं तो हम क्या करेंगे धागा आगे करेंगे और ये फंदे को हम इस तरीके से सीधा बुन लेंगे ये देखिए यहाँ पे हमारी एक जाली बन गई ठीक है देखिए मैं फिर से बताती हूँ तीस फंदे हम बुनेंगे तीस फंदे हमने सीधे बुने अब हम धागा आगे करेंगे ऐसे ठीक है और ये बीच वाला फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे और धागा आगे गई है देखिए इस तरीके से एक फंदा बन गया फिर से हम धागा आगे करेंगे और फिर हम सीधा बुनेंगे पूरी रो तो ये देखिए फ्रेंड्स जो ये हमारा सेंटर वाला फंदा है इसके इधर और इधर दोनों साइड एक एक फंदे बन गए हैं तो हम इस तरीके से इस रो को सीधा सीधा के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारी राइट रो कंप्लीट हो गई है अब देखिए फिर से हमारी बैक रो आ गई है देखिए बैक रो में हमें क्या करना है बैक रो हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करनी है देखिए इस तरीके से हम उल्टा बुनेंगे और सेंटर में जब हम पहुंचेंगे तो देखिए फ्रेंड्स सेंटर में हमारे जो दो फंदे बड़े हैं वो भी हमने उल्टे बनाने हैं जा... जहाँ जाली से हमारे दो फंदे बड़े हैं तो वो हमें उल्टे उल्टे बुन के रेडी करना है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स ये जाली से हमारा एक फंदा ये बना है और एक फंदा ये बना है ठीक है और ये हमारा सेंटर वाला फंदा है तो देखिए इसको भी हमें क्या करना है इसे उल्टा बुनना है ये देखिए और फिर सेंटर वाला तो हमारा उल्टा ही बुना जाएगा और देखिए जाली से ये फंदा बना है इसे भी हमें उल्टा बुनना है और फिर बाकी रो हमें उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करनी है कि फ्रेंड्स हमारी बैक रो कम्प्लीट हो गई है फिर से हमारी देखिए राइट रो आ गई है अब देखिए हमें क्या करना है हम दो दो लाइन एक कलर को हम दो ही लाइन बनाएंगे ठीक है अब हम कलर फिर से चेंज करेंगे देखिए फ्रेंड्स अब मैं इस कलर को लगाऊंगी तो देखिए इस तरीके से नोट बांध लीजिए आप ठीक है फिर ये देखिए इस तरीके से हम ऐसे डालते हुए ये देखिए इस तरीके से बुन लेंगे ये देखिए यहाँ से हम टाइट भी कर लेंगे और ऐसे देखिए इस तरीके से हम दबा भी, दबाते हुए जाएंगे ताकि ये खुले ना ये देखिए इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम इस रो को भी सीधा सीधा बुनेंगे सेंटर पर ले जाने तक फिर हमें क्या करना है दो फंदे बढ़ाने हैं सेंटर में तो देखिए कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स हम सेंटर में आ गए हैं ये देखिए कि हमारा सेंटर वाला फंदा है और ये दो फंदे हमने फर्स्ट टाइम पे बढ़ाए थे यहाँ पे ठीक है अब हमें क्या करना है हमें जब भी फंदा बढ़ाना है तो इस सेंटर वाले फंदे के पहले ही बढ़ाना है ठीक है तो इस फंदे को हम क्या कर लेंगे सीधा बुन लेंगे ये सीधा बुन लिया ये सेंटर वाला फंदा है अब हमें क्या करना है फिर से धागा आगे करना है धागा आगे करेंगे सेंटर वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसे ठीक है फिर से धागा आगे करेंगे फिर बाकी रो हमें सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करनी है तो देखिए हमारे यहाँ पे ये सेंटर वाले फंदे के लेफ्ट और राइट में एक एक फंदा बढ़ गया है अब हम इस रो को सीधा सीधा बुन के कम्प्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारी राइट रो कम्प्लीट हो गई है अब फिर से हमारी देखिए बैक रो आ गई है देखिए बैक रो में हमें क्या करना है बैक रो हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करनी है और जो दो फंदे हमारे बीच में बड़े हैं वो भी हमें उल्टे बुनने हैं देखिए फ्रेंड्स हम सेंटर में आ गए ये देखिए एक फंदा ये है जाली वाला बड़ा एक फंदा ये है ठीक है तो इन्हें हमें उल्टा उल्टा बुनना है देखिए सेंटर वाले को भी उल्टा बुनेंगे बस हमें बैक साइड में जो भी जाली वाला फंदा बना है उसे भी हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है तो इस तरीके से हमें ये रो उल्टा बुन के कम्प्लीट करनी है देखिए फ्रेंड्स हमारी बैक रो कंप्लीट हो गई है फिर से हमारी राइट right रो आ गई है देखिए अब हमें फिर से कलर चेंज करना है तो देखिए फ्रेंड्स अब हम ये देखिए जो शुरू में हमने धागा लगाया था उसे हम लगा लेंगे ये देखिए इस तरीके से फिर वही जैसे अभी तक हम जैसे इन दो कलर्स में हम बुनते आए हैं सेंटर वाले फंदे के लेफ्ट राइट में हमें दो फंदे बढ़ाने हैं जाली डालनी यानी कि देखिए फ्रेंड्स ये सेंटर वाला फंदा है ठीक है इसके पहले वाले फंदे को भी हम बुनेंगे बस जाली हमें इस फंदे के पहले ही डालनी है तो जाली डालने के लिए धागा आगे करना है यहाँ से और एक फंदा बुनेंगे सीधा ठीक है सेंटर वाला फिर से जाली आगे करें धागा आगे करेंगे और बाकी फंदे सीधे बुनेंगे तो हमारे यहाँ पे देखिए दो जाले आ जाएंगी ठीक है ये देखिए और बाकी रो हम सीधा सीधा बुनेंगे और बैक रो को हमें उल्टा उल्टा के कंप्लीट करना है ये देखिए देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही हमें इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है देखिए अभी हमारा रानी कलर है फिर से हम ये स्काई ब्लू कलर लगाएंगे फिर से हम ये दूसरा कलर लगाएंगे ठीक है ऐसे हम इन तीन तीन कलर्स को एक के बाद एक रिपीट करते हुए जाएंगे तो हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स सेम ऐसे ही आपको बनाना है तो मैं आपको इसकी लेंथ कंप्लीट करके बताती हूँ तो मैं इसको रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ <सणों> देखिए फ्रेंड्स हमारी कैप की लेंथ कंप्लीट हो गई है और ये देखिए जो जालियाँ आपको दिख रही हैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम काउंट करेंगे तो ये ट्वेंटी थ्री जालियाँ हैं यानी कि तेईस जालियाँ हैं और देखिए Uh, ये जो फंदे हैं हमारे सेंटर वाले फंदे को छोड़ के इस साइड को हमारे फिफ्टी थ्री फंदे हैं तिरपन फंदे ठीक है जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तीस फंदे थे इस साइड और तीस इस साइड थे अब देखिए तिरपन फंदे इस साइड हैं और तिरपन फंदे हमारे इस साइड हैं और एक फंदा हमारा सेंटर में है ठीक है देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इस तरीके का बन के रेडी हो गया है अब हमें इसके फंदे घटाने हैं तो देखिए फंदे घटाने के लिए हमें क्या करना है देखिए फ्रेंड्स अब हमारे रानी कलर का टर्न है तो देखिए हम क्या करेंगे फिफ्टी थ्री फंदे हैं तो इसका हाफ़ फंदे हम हाँ बुन लेंगे यहाँ से देखिए छब्बीस फंदे में बुन लूँगी दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस देखिए फ्रेंड्स छब्बीस का डबल बावन होता है तो एक फंदा ज़्यादा है तो एक फंदा एक साइड ज़्यादा रख लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा देखिए फ्रेंड्स इन धागों की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इन्हें भी कट कर लेते हैं साइड में और देखिए यहाँ पे नोट लगा लेंगे देखिए फ्रेंड्स आप हम इसे इस तरीके से डबल करेंगे और ये फंदे हम घटा लेंगे तो देखिए इस तरीके से हमें दो का एक करते हुए ये फंदे घटाने हैं देखिए एक बैक साइड से लेंगे एक फ्रंट साइड से लेंगे देखिए दो का एक करेंगे उसके बाद ये दो फंदे स्लिप करेंगे और जो फंदा आएगा उसे फिर से हम देखिए बैक वाली सिलाई में डालेंगे एक फंदा हम बैक सिलाई से लेंगे ऐसे और देखिए एक फंदा हम आगे वाली सिलाई लेंगे उसके बाद फिर से हम तीन का एक करेंगे ये देखिए ऐसे फिर जो भी फंदा आएगा फिर हम बैक सिलाई में डालेंगे एक फंदा यहाँ से लेंगे फिर एक फंदा हम आगे वाली सिलाई से लेंगे फिर हम तीन का एक करेंगे ऐसे इसी तरीके से हमें ये सारे फंदे घटाने हैं ये देखिए ये फंदा हम बैक सिलाई में डालेंगे और देखिए यहाँ से एक फंदा लेंगे और एक फंदा हम आगे वाली सिलाई से लेंगे उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें तीन का एक करना है तो देखिए ऐसे हमें ये सारे फंदे घटाने हैं देखिए फ्रेंड्स हमारे सभी फंदे घट गए हैं अब देखिए हमें क्या करना है अब हमें इस साइड के फंदे घटाने हैं तो देखिए ये जो सेंटर वाला फंदा है इसे भी हम देखिए इसके साथ इस तरीके से ये देखिए दो का एक कर लेंगे यहाँ पे ठीक है इस तरीके से दो का एक कर लेंगे उसके बाद फिर से हमें तिरपन फंदों का हाफ करना है यानी कि हमें छब्बीस फंदे बुनने हैं तो फिर से हम छब्बीस फंदे बुन लेंगे देखिए फ्रेंड्स छब्बीस फंदे ये इधर हैं छब्बीस फंदे और सत्ताईस फंदे इधर हैं तो ये हमारे फिफ्टी थ्री फंदे हो गए हैं अब देखिए अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये देखिए ये देखिए बैक साइड को फोल्ड करेंगे और फिर हमें इस तरीके से इनके देखिए फंदे घटाने हैं जैसे ही हमने इस साइड से घटाया था देखिए एक फंदा बैक साइड से लेंगे एक फंदा आगे से लेंगे और ये देखिए धोकाई करेंगे ऐसे उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक फंदा बैक साइड से लेंगे एक फंदा आगे से लेंगे अब ये तीन फंदे हो गए तो देखिए हम इस तरीके से सारे फंदे घटा लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारे सभी फंदे घट गए हैं देखिए हमारा लास्ट में एक फंदा बचा है ये तो हम इसे इस तरीके से नोट लगा लेंगे ये देखिए देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का हमारा ये बनके रेडी हो गया है अब हमें क्या करना है अब आगे से हमें इसकी जो इस तरीके का हमें बॉर्डर रेडी करना है ठीक है तो इसके लिए हमें फंदे उठाने होंगे तो देखिए फ्रेंड्स इस धागे को हम यहां से कट कर लेंगे अब देखिए अब हमें यहाँ फंदे उठाने तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो धागा था इसे हम यूज कर लेंगे ये देखिए दो धागे कट कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास धागा है ठीक है इसी के साथ हम इस धागे को ज्वाइंट कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से हमने नोट लगा ली देखिए फ्रेंड्स हमने इस साइड ये धागा जोड़ लिया अभी हमें क्या करना है हम इस साइड से देखिए यहाँ से क्योंकि ये बैक साइड को आ रहा है तो हम यहाँ से फंदे उठाते हुए आएंगे तो देखिए कैसे उठाएंगे देखिए फ्रेंड्स हम कॉर्नर से फंदे उठाते हुए जाएंगे और जितने भी कम ज़्यादा होंगे तो हम उसे बैक सिलाई में देखिए इस तरीके से देखिए आपको ईजिली दिख जाएंगे ऐसे तो इस तरीके से हम फंदे उठा लेंगे ये देखिए और अब यहाँ पर क्या करना है हमें देखिए बिल्कुल साइड में हमें फंदे उठाने हैं इस तरीके से देखिए ये देखिए कॉर्नर में हम इस तरीके से फंदे उठाते हुए जाएंगे ये देखिए देखिए एक लाइन दिख रही तो बिल्कुल लाइन से आपके फंदे उठेंगे ये देखिए इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हम सेंटर में आ गए हैं ठीक है तो ये देखिए हमने इतने फंदे इधर उठा लिए ऐसे ही फंदे हमें इस साइड भी उठाने हैं तो देखिए ऐसे ही हम उठाते हुए जाएंगे बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर में ये देखिए जो लास्ट वाली हमारी लाइन है इसी में हम इस तरीके से उठाते हुए जाएंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने फंदे उठा लिए अब हम फंदे गिन लेंगे जहाँ पे भी हमें कम लगेंगे देखिए मैं एक साइड से सा आपको गिन के दिखाती हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस देखिए फ्रेंड्स मेरे थर्टी फंदे उठे हैं तो मैं इन थर्टी फंदों को बुन लूँगी अगर कम ज़्यादा होते तो मैं उसे एडजस्ट कर लेती तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है उल्टा उल्टा बुन के हमें बॉर्डर रेडी करना है ये देखिए और देखिए फ्रेंड्स ये धागा भी हम इस तरीके से दबाते हुए लेके जाएंगे ये देखिए देखिए फ्रेंड्स ये हमारे थर्टी फंदे हो गए हैं अब हम इस साइड से भी थर्टी फंदे रखेंगे देखिए फ्रेंड्स मेरे इस साइड से अट्ठाईस फंदे हैं तो मुझे दो फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं तो जहाँ पे भी हमें गैप दिखेगा तो हम वहाँ पे फंदे बढ़ा लेंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा गैप है तो मैं एक फंदा यहाँ बढ़ा लूँगी देखिए उनतीस फंदे हो गए एक फंदा मैं और बढ़ा लूँगी ठीक है तो ऐसे ही आपको एडजस्ट करने हैं बैक साइड में फंदे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गैप है तो मैं एक फंदा यहाँ पे उठा लूँगी इस तरीके से ये देखिए और बाकी रो हम उल्टा बुन लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों साइड से थर्टी थर्टी फंदे हो गए हैं अब हमें क्या करना है देखिए अब हमें इसका बॉर्डर रेडी करना है ठीक है तो बॉर्डर रेडी करने के लिए हमें क्या करना है जिस तरीके से हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है देखिए एक दो तीन चार पाँच ये पाँच आपको धारियाँ दिख रही हैं यानी कि हमने ये दस लाइन्स बुना है तो हमें इस इस साइड भी दस लाइन्स बुन के कंप्लीट करना है तो देखिए हम उल्टा उल्टा बुनते हुए इसे दस लाइन कम्प्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारा बॉर्डर बन के रेडी हो गया है ये देखिए एक दो तीन चार पाँच ये पांच हमारी धारे आ गई यानी कि हमारी अभी ये नाइन्थ रो चल रही है ठीक है नाइन्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है तो हमें टेन रोज का बनाना है तो टेन रो में हमें इस फंदे को घटाना है ठीक है तो देखिए इस तरीके से अब हम क्या करेंगे फंदे घटाएँगे देखिए फ्रेंड्स दो का एक करते हुए हम ये फंदे घटा लेंगे ये देखिए इस तरीके से ये देखिए दो का एक फिर जो फंदा आएगा लेफ़्ट नीडल में डालेंगे और इसे हम थोड़ा खींचते हुए इसके फंदे घटाएंगे देखिए हमें बिल्कुल ढीले फंदे नहीं घटाने ठीक है इस तरीके से हम टाइट फंदे घटाएंगे तो देखिए दो का एक करते हुए हमें ये सारे फंदे घटाने हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे फंदे घटा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारे सभी फंदे घट गए हैं और लास्ट में देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे नोट लगा लेंगे ये देखिए ये देखिए बहुत अच्छी सेव इसकी आई है अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर लेंगे और देखिए इसे हम क्रोशिया की हेल्प से थोड़ा सा अंदर दबा लेंगे देखिए फ्रेंड्स एक्स्ट्रा धागे जो भी दिख रहे हैं हम इन्हें कट कर लेंगे यहाँ से ये देखिए ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है अब हमें इसका फीता रेडी करना है तो देखिए पहले हम इसे सीधा कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर कैप बन के हमारी रेडी हुई है अब फीता हम यहाँ पे से लगाएंगे इसमें तो देखिए फीते फीता बनाने के लिए हमें क्या करना है देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम तीन धागे ले लेंगे देखिए और जितना बड़ा हमें बनाना है ठीक है फीता जितना भी बड़ा रेडी करना है उसके हिसाब से हम इसे इस तरीके से डबल कर लेंगे ठीक है देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरीके से इसे देखिए फोल्ड कर लिया है उसके बाद हमें इस कोने में लगाना है तो देखिए इस कॉर्नर से हम इस तरीके से क्रोशर डालेंगे ये देखिए ये देखिए देखिए फ्रेंड्स उस इसके बाद हम इस तरीके से धागे को देखिए बैक साइड को लेके आएंगे ऐसे ये देखिए उसके बाद हम इसका फीता बनाना रेडी करेंगे तो देखिए हमें बिल्कुल ढीला ढीला इसका फीता बनाना ये देखिए ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ढीला हमें इसका फ़ीता रेडी करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ये देखिए केयरफुली आप इसे बनाइएगा ताकि ये सारे इसमें आ जाएं ये देखिए देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये फीता बना के रेडी कर लिया एक साइड से ठीक है ऐसे ही हम इस साइड से भी रेडी कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर हमारी कैप बन के रेडी हुई है ये देखिए दोनों फीते भी बहुत सुंदर बन के रेडी हुए हैं अब हम क्या करेंगे थोड़े से जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं इन्हें इस तरीके से खींच लेंगे और ये देखिए बराबर पकड़ते हुए यहाँ से हम कट कर लेंगे ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे ये रेडी हो गए हैं ये देखिए बहुत सुंदर हमारी कैप बनके रेडी हुई है पहनने के बाद इसका लुक बहुत सुंदर आता है ये देखिए और देखिए फ्रेंड्स बैक साइड से इस तरीके की दिख रही है ये देखिए और राइट साइड से इस तरीके के और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सुंदर हमारी फिनिशिंग आई है बेबी को आप पहनाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा ये देखिए इस तरीके का हमारा ये बनके रेडी हुआ है अगर आप इस तरीके का आ, फिता नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ये यह देखिए यहाँ पर आप पाँच या छः फंदे उठा लीजिए और आप इसे उल्टा उल्टा बुन के भी इसका फिता रेडी कर सकते हैं ये देखिए इस तरीके का हमारा ये कैप बन रेडी हुआ है देखिए खरगोश टोपी है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये कैप का डिज़ाइन पसंद आया और बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक यू